इंडियन आइडल का 11वां सीजन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे ज्यादा अगर कोई इंडियन आइडल में फेमस हुआ है तो वो है सनी हिंदुस्तानी। सनी ने अपनी गायकी से सभी का दिल जीत लिया है। सनी हमेशा अपनी गायकी से सभी को अपना दीवाना बना लेते हैं। इस पूरे सीजन में सनी हिंदुस्तानी ने अपनी गजब की परफॉर्मेंस से सभी को अपना दीवाना बना दिया है। सनी हिंदुस्तानी ने इस सीजन में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस की है। सनी को शुरू से ही नुसरत साहब के गाने गाते हुए देखा गया है। शो में ये भी कहा गया था कि क्या सनी नुसरत साहब के गानों के अलावा कोई सा गाना गा पाएंगे, पर सनी ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ये प्रूफ कर दिया कि वो दूसरे जॉनर के गाने भी बखूबी से निभा सकते हैं। सनी ने शुरू से ही शो पर आने वाले मेहमानों का दिल जीता है। ऐसा कोई नहीं हो जो सनी का गाना सुनकर उनका दीवाना ना बना हो। सनी हिमेश रेशमिया की मूवी द बॉडी के गाने रोम रोम में अपनी आवाज भी दे चुके हैं। सनी की गायकी के किस्से बस यहीं तक नहीं हैं। सनी को किशोरदा के बेटे अमित कुमार ने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए भी साइन किया है। अमित कुमार शो पर पहुंचे तब उन्होंने सनी की गायकी सुनी। सनी की गायकी से वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने सनी को स्टेज पर ही साइन कर लिया। हाल ही में सनी ने नुसरत साहब के सहयोगी रोशन अली साहब के साथ परफॉर्म किया। दोनों की ये जुगलबंदी बहुत ही लाजवाब थी। इसके बाद नुसरत साहब के सहयोगी ने सनी के लिए एक बात कही है। उन्होंने कहा कि 2011 में पैरालाइज होने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सालों तक उन्होंने नुसरत अली साहब की टीम में काम किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो हेल्थ इश्यूज के चलते कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब रोशन अली साहब ने सनी को गाते हुए सुना, तब उन्हें सनी में नुसरत साहब की झलक नजर आई। सनी को देखकर रोशन अली साहब को हिम्मत आई कि वो फिर से ढोलक प्ले कर सकते हैं, और आखिरकार सनी की आवाज़ ने अपना जादू चला ही दिया और सनी की आवाज़ से रोशन अली साहब एक बार फिर ढोलक की थाप से सभी को अपना दीवाना बनाते हुए नजर आए। सनी और रोशन अली साहब की परफॉर्मेंस ने जमकर सुर्खियां बटोरी और दोनों की जुगलबंदी लोगों के दिलों पर छा गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।